हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स। इन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 11। तो इससे पहले आपका 10th लेक्चर तक आ चुका है ऑन प्रोडक्शन गेट एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो अगर आपको 10th लेक्चर तक देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग मैकेनिकल के जितने भी अदर सब्जेक्ट है सभी का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्यूशन कर रहे हैं, गेट के जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो उसके लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज को वहां पे आपको मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है। एंड मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग का चल रहा है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में आपको हो जाएगा सेकंड चैप्टर मेटल कास्टिंग। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, दैट इज मेरा था इंजीनियरिंग मटेरियल। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डिस्पोजल पैटर्न्स के बारे में, कि भाई डिस्पोजल पैटर्न्स आर मेड ऑफ किसका बनाता है। देखो डिस्पोजल पैटर्न जो होता है उससे जो मेरा मोल्ड मिलता है वो मेरा बनता है एक्सपेंडेबल मोल्ड। क्या बनता है मेरा? एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल। अब ये एक्सपेंडेबल मोल्ड क्या हो जाता है, ठीक है, या फिर आप बोलेंगे सर ये डिस्पोजल पैटर्न क्या होता है। देखो इसको समझने के लिए ये समझो कि मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ठीक है, एक सेकंड, मुझे प्रोडक्ट बनाना है और ये प्रोडक्ट बनाना आयरन का। कैसा बनाना है? एक मुझे बनाना है रेक्टेंगुलर बनाना है, कुछ इस तरह का मुझे एक पैटर्न बनाना है, या फिर समझ लो स्क्वायर टाइप से आयरन का, इस तरह का स्क्वायर टाइप से मुझे एक पैटर्न, मुझे प्रोडक्ट बनाना। ओके, इसके लिए करते हैं क्या हम लोग, आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक पैटर्न बनाते हैं। एक मेरा पैटर्न ली, यानी इससे एक मोल्ड प्रिपेयर किए, ये मेरा क्या है, पैटर्न है, ठीक है। इससे हम लोग मोल्ड प्रिपेयर किए, ये मेरा मोल्ड भी हो गया, ठीक है, ओके। अब मोल्ड प्रिपेयर करने के बाद हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग पोर करते हैं, मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोल्टन मेटल पोर करते हैं, मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल किसका पोर करेंगे, चूंकि मुझे आयरन का प्रोडक्ट बनाना, तो आयरन को हम लोग सबसे पहले हीट करके उसको मोल्टन मेटल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद इसको हम लोग पोर कर देंगे। पोर करने के बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें भर जाएगा मोल्टन मेटल, और भरने के बाद इसको हम लोग करते क्या, देन करते हम लोग सोलिडिफाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, सोलिडिफाई करते हैं, सोलिडिफाई, ओके। जब ये सोलिडिफाई हो जाएगा इसके बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट, यानी कि आयरन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ किए ये पैटर्न, पैटर्न से जो मोल्ड बनाए, ये जो पैटर्न रहता है, ये पैटर्न कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पैटर्न यूज़ करते हैं जो कि एक बार के बाद इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, जैसे सैंड का बनाए, सैंड पैटर्न, सैंड पैटर्न जो बना, ये मेरा मेरा पैटर्न जो रेड कलर से है, इससे हम लोग बनाए, और इसके बाद जैसे मुझे मिल गया प्रोडक्ट इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, तोड़ दिए, तोड़ के इसको हटा दिया, यानी कि सेकंड टाइम मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे फिर से मुझे पैटर्न से मोल्ड बनाना पड़ेगा, समझ आए कि नहीं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सपेंडेबल पैटर्न। तो बोला गया कि भाई उस वो किससे बना रहता है, क्या वो ऊट से बना रहता है, रबड़ से रहता है, मेटल से, फिर पॉलिस्ट्रीन से। बेसिकली अधिकतर हम लोग जो एक्सपेंडेबल मोल्ड रहता है, यानी एक्सपेंडेबल जो मोल्ड बनाते हैं जिसको हम लोग डिस्पोजल पैटर्न कहते हैं, ये बनाया जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक से। किसे बनाया जाता है आपका, थर्मोप्लास्टिक से। तो आप ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ओड, रबड़, मेटल या फिर पॉलीस्ट्रीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीस्ट्रीन। अब यहाँ से आ जाता है कि सर एक चीज़ मुझे बता दीजिए, जो एक्सपेंडेबल पैटर्न हो जाता है वो हम लोग किस किस तरह का कास्टिंग में यूज़ करते हैं। तो वो आप देखो यहाँ पे जो पहला फिगर देख रहे हो, ये जो आपका दिया गया डायग्राम, ये है मेरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ओके। अगर आपको याद होगा इसको हम लोग लॉस्ट वैक्स भी बोलते थे, क्योंकि इसमें वैक्स यानी मोम का यूज़ करते थे, और फिर इसको क्या करते थे, हीट करके उसको हटा देते थे, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड ऑल्सो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। इसके क्या करते थे हम लोग, पैटर्न पहले क्रिएट करते थे जिस तरह का मुझे बनाना है प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग उसमें वैक्स इंजेक्ट करा देते थे, यानी मोम इंजेक्ट करा दिए, उसके बाद जब वो सोलिडिफाई होगा, जम गया, उसका एक ट्री बनाते थे, और उसको फिर स्लरी में डिप करा देते, कोटेड करा। स्लरी किसका होता था, आपका सेरामिक का होता था, ठीक है, सेरामिक का घोल लेते थे, उसमें हम लोग डिप करा देते थे इस वैक्स का, एक जो ट्री जैसा है। अब इसमें क्या होता, ऊपर में एक लेयर चढ़ जाता था चारों तरफ। इसके बाद हम लोग क्या करते, सैंड से उसको बम्बार्डिंग कराते थे। तो इसके बाद क्या होता, ये चार से पांच बार कराते थे, अच्छा खासा मोटा जो लेयर सैंड का बन जाता था, ठीक है। और जब बन जाता था उसके बाद हम लोग उससे जो वैक्स रहता था मोम, उसको हीट करा के बाहर निकाल लेते थे। इसके बाद जो भी मुझे बनाना, जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना, जो भी मेटल का या फिर नॉन मेटल का, एलॉय का, उसको हम लोग क्या करते, मोल्टन मेटल के फॉर्म में इसमें अंदर डाल देते थे। और उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ क्या किया जा रहा है, सेल को रिमूव किया जा रहा है, यानी कि सेल, यही सेल जो, इसी को हम लोग बोलेंगे पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम लोग करके क्या रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और रिमूव करने के बाद इसको कट उट करके फाइनली फिनिशिंग के बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाता था। तो यहां पे आप क्या देखें, ये जो पैटर्न हम लोग यूज किए थे, जो कि बनाए थे मेरा किसका, स्लरी से था, यानी सेरामिक का था और सैंड का था, उसको बाद में देखो यहां पे हटाया जा रहा है, यानी कि ये कैसा है, ये मेरा है एक्सपेंडेबल मोल्ड, यानी एक्सपेंडेबल मोल्ड बनाया गया था, या फिर बोल सकते हो डिस्पोजेबल आपका ये वाला
डिस्पोजेबल पैटर्न था, समझ आया कि नहीं। तो आप ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो हो जाता है इसमें हम लोग जो यूज करते हैं मोल्ड वो मेरा आता है एक्सपेंडेबल मोल्ड। देन आ जाता है आपका सैंड मोल्ड कास्टिंग, इसमें भी सेम वही हम लोग यूज करते थे। देखो सबसे पहले क्या करते हम लोग, सैंड लेते थे रेजिन वाला सैंड, उसमें हम लोग एक गम भी डालते थे, ठीक है, जो चिपकने जैसे फेविकोल होता है। उसके बाद हम लोग ऊपर में जो भी पैटर्न रहता था उस तरह का पैटर्न ऊपर में लिए, और पैटर्न के ऊपर में जब हम लोग उलाट देते थे तो क्या हो जाता था, चूंकि रेजिन उसमें रहता था चिपक जाता था एक लेयर। तो देखो यहाँ पे एक लेयर सेल बन गया यहाँ पे ऊपर में, और सेल बनने के बाद इस तरह का सेल को हम लोग अलग करते थे, इसको हम लोग पिन से जॉइंट कर देते थे। तो पिन से जॉइंट को हटा दिए, तो हटाने के बाद इस तरह का दो गो हम लोग लेके यहाँ पे डाल देते थे, और डालने के बाद यहाँ देखो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, मोल्टन मेटल डाल दिए, और फाइनली मुझे मिल गया क्या, ये मुझे प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे भी जो ये वाला सेल बनाए हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल, देखो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, ये जो सेल मिला, जैसे यहाँ पे दो सेल है, ये दो सेल को हम लोग तोड़ के हटा देते थे, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे भी सेल को हम लोग क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब वन टाइम के लिए यूज़ किया गया, यानी वो टेम्प्रोरी यूज़ किया गया, और ये सिंगल यूज मोल्ड किया गया। तो ये भी जो सेल मोल्ड प्रोसेस है या फिर सेल मोल्ड कास्टिंग है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडेबल मोल्ड या फिर डिस्पेजेबल पैटर्न बनाते हैं, समझ आए। इसके अलावा जो सैंड कास्टिंग होता है ये भी एग्जाम्पल हो जाता है मेरा डिस्पोजेबल पैटर्न्स का। देन आ जाता है मेरा प्लास्टर कास्टिंग, भी इसी का एग्जाम्पल होता है। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 17 की ओर। 17 में पूछा गया श्रिंकेज अलाउंस के बारे में, कि श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड टू दी कंपनसेट फॉर श्रिंकेज व्हेन। देखो इसको मैं बहुत बार डिस्कस कर लिया हूँ, काफी इजी है। पहले तो बात आता है यहाँ पे श्रिंकेज अलाउंस का, तो भाई श्रिंकेज होता क्या है, ठीक है। श्रिंकेज एक डिफेक्ट होता है, वो कैसा डिफेक्ट होता है, मेटल को जब भी हम लोग पोर करते हैं तो मेटल क्या हो जाता है, पोरिंग के बाद वो श्रिंक कर जाता है। जैसे अगर मान लो इसमें हम लोग पूरा का पूरा मेटल भर दिए, ठीक है, मोल्टन मेटल इसमें हम लोग पोर कर दिए, तो होगा क्या, जब ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो सॉलिडिफाई के बाद क्या होता है कि ये मेरा पैटर्न था, और सॉलिडिफाई के बाद इतना ही बच जाएगा, इतना मुझे मिलेगा, कितना मुझे मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा। यानी आप बोलेंगे सर यहाँ पे दोनों तरफ से इतना जो है ये मेरा क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। मोल्टन जो भी मेरा मेटल होता है वो आप देखिएगा ध्यान से, वो सिकुड़ता है, तो यहाँ पे एरिया घट गया। तो यही जो कहलाता है ये मेरा कहलाता है श्रिंकेज डिफेक्ट। तो अब इस श्रिंकेज डिफेक्ट को हम लोग अलाउंस पहले प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मुझे प्रोडक्ट में बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे ये पूरा का पूरा कितना है मान लीजिए लेंथ वाइज लेंगे तो ये 12 mm का लेंथ का है, लेट सपोज 12 mm लेंथ का है, और मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो 10 mm का चाहिए, और मुझे पता है कि इधर 1 mm का श्रिंक कर जाएगा, इधर भी 1 mm का श्रिंक कर जाएगा। तो मैं पहले ही क्या करूँगा, जो बनाऊँगा मोल्ड यानी पैटर्न बनाऊँगा, पहले मैं 12 बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे 10 चाहिए, अगर नीड मेरा 10 का है तो 12 बनाएंगे तब मुझे 10 मिलेगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑटोमेटिक श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किए, इधर मुझे 1 mm का अलाउंस प्रोवाइड किए, इधर भी 1 mm का अलाउंस प्रोवाइड किए। तो यही इसी बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर बताओ कौन सा करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। तो पहला पढ़ेंगे द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल ड्रॉप्स फ्रॉम पोरिंग टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेरा लिक्विड का ड्रॉप करता है, ये बात नहीं, जब श्रिंक करता है उसका बात किया जा रहा है। बी नंबर ऑफ द मोल्टन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट फ्रीजिंग टेम्परेचर, मोल्टन क्या बोल रहा है, मेटल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, नहीं ये भी रीजन नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फेज ड्रॉप फ्रॉम फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड जो होता है सॉलिड फेज वो ड्रॉप करता है, कहाँ से करता है, फ्रीजिंग टू टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर, हम लोग ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर में, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट फ्रीजिंग से अगर हम लोग रैपिड कूलिंग कर देते हैं तो उसमें क्रैक वगैरह आ सकता है, इसलिए रूम टेम्परेचर में उसको हम लोग ठंडा करते हैं, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या, टेम्परेचर मेरा ड्रॉप होता है, बिल्कुल होता है, बट फ्रीजिंग टू रूम टेम्परेचर में होता है, समझ आया कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है। पोरिंग नहीं करेंगे यहाँ पे, फ्रीजिंग से करेंगे, जब हम लोग धीरे धीरे सिकुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखें, जब हम लोग मेटल को डाले उसका जब फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है, ठीक है, जब फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है उसके बाद यहाँ पे अलाउंस हम लोग देते हैं उसी के बेसिस पे स्टडी करके। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, सी नंबर, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपको याद होगा कि क्या करते हैं हम लोग, पोर जो आपका मोल्टन मेटल रहता है उसको पोर करते हैं। किसमें पोर किया जाता है, आपको पोर किया जाता है एक मेरा रोटेशनल मेरा हाई स्पीड में जो है रेवोल्ट करता है एक सिलेंड्रिकल पार्ट, उसमें हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं वो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, डायमीटर में जाके चिपक जाता है एक तरह समझ लो, और जब वो सॉलिफाई हो जाता है तो मुझे एक होलो टाइप से पाइप जैसा जो है वो कास्ट प्रोडक्ट मिल जाता है। और ये चिपकता क्यों है मोल्टन मेटल इसके या डायमीटर पे, क्यों, बिकॉज सर्कमफेरेंस में, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने बताया था जो सेंटर के बाहर की ओर लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज वाई
एक सेंट्रीपिटल भी फोर्स लगता है जो सेंटर की ओर लगता है, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की ओर। इसलिए इसमें मैंने बताया था इसमें हम लोग जो यूज करते हैं फाइन पार्टिकल वो काफ़ी कैसा होता है, हाई डेंसिटी वाला होता है। कैसा होता है? हाई डेंसिटी होता है, इसीलिए वो बाहर आके चिपक जाता है इसके सर्कमफेरेंस से जो सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है, और उसको हम लोग रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है उसमें जो लाइटर इंप्यूरिटी होता है, अब देखो एक तो होता है लाइटर होता है, एक होता है हैवी, ठीक है, हैवी इंप्यूरिटी। तो जो हैवी रहेगा, जो भारी रहेगा, ऑब्वियसली बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा उसको, मान लो ये मेरा यहाँ पे मेरा हम लोग कुछ हैवी इस तरह का पार्टिकल है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते क्या होगा, जैसे मैंने कहा था सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर धकेलता है, तो ये बाहर की ओर धकेलेगा, दो सबको इधर उधर धकेलेगा, और धकेल के क्या करेगा, ये चल जाएगा उसके सर्कमफेरेंस में जाकर चिपक जाएगा, यानी सारे जो पॉइंट जो भी आपका पार्टिकल रहेगा वो आपके इसके सर्कमफेरेंस में आपके चिपक जाएगा। कौन वाला? जो भी हैवी रहेगा, हैवी। लेकिन जो लाइट रहेगा वो में भी हो सकता है कि लाइट जो रहेगा वो बीच में रह सकता है, तो लाइट वाला बीच में रहेगा और हैवी वाला आ जाएगा साइड में। समझ आए कि नहीं? ये मेरा हैवी है, HEAVY हैवी, एंड ये मेरा लाइट्स था, ठीक है, लाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लाइट इंप्योरिटी क्या हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल नहीं, फर्स्ट वाटर द आउटसाइड सरफेस क्लियर नहीं किया गया है, टेपर नियर टू द मीन रेडियस ऑफ द कास्टिंग एंड कलेक्ट एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइटर का बात किया, हैवी का बात तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आउटर सरफेस तो होगा नहीं यहाँ पे, यानी 18 का तो बी नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं जाएगा। इसके बाद करेंगे सी नंबर में, तो सी नंबर में क्या बोला गया, ट्रैप्ड नियर दी मीन रेडियस ऑफ द कास्टिंग, मीन रेडियस के पास आ जाएगा, यानी कि ये जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, इस भाग में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। कलेक्ट एट द सेंटर ऑफ द कास्टिंग बिल्कुल सही, यानी कि डी होगा, क्योंकि लाइटर है ना, तो लाइटर जो वो सेंटर में आ जाता है, हैवी वाला जो है वो कहाँ जाता है, मेरा सर्कमफेरेंस के आ जाएगा, यानी कि आउटर सरफेस में देखने को मिलेगा जब हैवी इंप्योरिटी की बात करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलो मूव करते हैं 19 की ओर। 19 में यहाँ पूछा गया है प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्प्रू इन ए कास्टिंग मॉडल, मतलब कास्टिंग मोल्ड इज, यहाँ पे बोला स्प्रू का यूज हम लोग करते क्यों है। स्प्रू क्या हो जाता है, मैंने आपको फिगर बताया था, स्प्रू बेसिन होता है जहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, यहाँ पे उसके बाद मोल्टन मेटल को जब हम लोग पोर करते हैं, यहाँ पे पोरिंग बेसिन है, पोरिंग बेसिन में जब मोल्टन मेटल को पोर करते हैं उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्प्रू ये जो है वो मोल्टन मेटल को, मोल्टन मेटल को किससे मिलाता है, ये मिलाता है मेरा रनर से, और उसके बाद रनर जो है गेट के थ्रू, गेट या फिर इनगेट के थ्रू ये कास्टिंग मोल्ड में इंटर करता है। तो आप यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे बात कर रहा था स्प्रू का, यानी कि ये मेरा स्प्रू है, तो ये किसके किसके बीच कनेक्ट कर रहा है, ये मेरा पोरिंग बेसिन से लेकर ये कर रहा रनर के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में अटैचमेंट कर रहा है, क्योंकि पोरिंग बेसिन क्या हो जाए जहाँ पे मोल्टन मेटल आता है, ये मेरा कनेक्ट किसको कर रहा है, रनर को कर रहा है पोरिंग बेसिन से, कौन कर रहा, मेरा स्प्रू कर रहा, और मेरा कैसा रहता, मैंने बताया था ये मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता, ये कैसा रहता मेरा वर्टिकल रहता है, जहाँ पे मैंने बताया था प्रेशर मेरा ड्रॉप कर जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट के चलते, ताकि मेरा स्पीड आए, और उसका रनर मेरा जो है ये मेरा फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता था, क्यों, ताकि ये जो वेलोसिटी काफ़ी स्पीड हो गया, अगर स्पीड से ही मेरा रनर में मान लो हाई वेलोसिटी से आ जाता है यहाँ पे, और उसका इंटर करता है मेरा विद द हेल्प ऑफ गेट से मोल्ड में, तो हाई वेलोसिटी के चलते यहाँ पे अनइवन जो कास्टिंग मेरा सॉलिडिफाई होगा, जिसके चलते क्रैक्स वगैरह आ सकता है, तो इस वेलोसिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल रनर का रखते हैं। समझ आए? तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा गया था स्प्रू का क्या काम है, स्प्रू हम लोग पर्पस क्या हो जाता है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू द गेट, तो गेट्स के बीच में, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो सी ही बताया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि एक्ट एज ए रिजर्वेयर, बिल्कुल नहीं, रिजर्वेयर मेरा काम करता है राइजर, ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो बी नंबर नहीं होगा। फीड द कास्टिंग एट द रेट कॉन्स्टेंट विद द फीड, नहीं बिल्कुल नहीं। हेल्प फीड टू कास्टिंग अंटिल द सॉल्ट, नहीं, यानी कि सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड, अच्छा भाई यहाँ पे ग्रीन सैंड का जैसा मैंने बताया था, जब भी हम लोग सैंड में, सैंड को हम लोग मॉइस्चराइज कर देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन सैंड, मतलब जब भी समझ लो ना पानी डाल देंगे इस तरह का, जब हम लोग मॉइस्चर उसमें ले आते हैं तो उसको ग्रीन सैंड कहा जाता है। ग्रीन सैंड का खासियत क्या रहता है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। आप मेरा बात समझो, मान लो कि आपके पास कोई सैंड है या फिर रेत है या बालू है, ठीक है, आप इस तरह का सैंड लिए, इस तरह का ढेर सारा सैंड है, ये क्या है मेरा सैंड है, ओके, इस सैंड में आप पानी डालो, क्या डालो, पानी डालो, जब आप वाटर डालोगे इसमें, वाटर डालोगे तो आप क्या देखोगे कि वाटर जो है इधर से अगर डाल रहे तो नीचे से गिर जाएगा पानी, या फिर दूसरा एक काम करो, देखो फिगर देखो, यहाँ पे आप मिट्टी ना
यहाँ लेके इस तरह का पत्थर का टुकड़ा लो, इस तरह का जॉइंट लो जिसको आप जॉइंट कर दियो। आप क्या देखोगे, अगर हम लोग ऊपर से पानी डालते हैं, यहाँ से अगर पानी हम लोग फ्लो करा रहे हैं तो नीचे से बाहर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी यानी परमिएबल, यानी कि कोई चीज़ इसके आर पार हो सके उसको बोलते हैं हम लोग परमिएबल। ठीक है, ओके। आप डेफिनेशन अगर जानना चाहो, मैं से इसको पहले क्लियर करा चुका हूँ, तो परमिएबल होता है इज ए मेजर ऑफ ए केस ऑफ पासिंग लिक्विड और गैस और स्पेसिफिक केमिकल थ्रू द मटेरियल। यानी कि वो मेरा गैस भी हो सकता है, वो मेरा लिक्विड भी हो सकता है, या फिर वो मेरा कोई केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, केमिकल ये अगर मेरा थ्रू द मटेरियल से मेरा पास कर जाता है एक इंच से दूसरी इंच, इसको हम लोग बोलते क्या, इसको बोलते हम लोग परमिएबल, परमिएबल। ठीक है, या फिर परमिएबिलिटी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है तो परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी गैस लिक्विड या केमिकल एक छोर से दूसरे छोर की ओर आ जाता है। अब ये जो मेरा परमिएबल है वो मेरा नॉन परमिएबल भी हो जाता है, उसके अलावा थोड़ा सा मेरा सेमी परमिएबल इसको बोलते हैं, फिर पोरस में जो देखने को मिलता है, या फिर मेरा एक होता है परमिएबल। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले पोर्शन को, देखो ये आपका एक सेक्शन, यहाँ पे आ गया मेरा दूसरा सेक्शन और ये थर्ड सेक्शन। इन तीनों सेक्शन में अगर ध्यान से, तो पहला सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मेरा नॉन पोरस है, पोरस में बीच में कोई छेद नहीं, इसको बोलेंगे नॉन परमिएबल। एक भी थोड़ा पानी मेरा आर पार नहीं जाएगा, ना तो गैस ना लिक्विड कोई चीज़। अगर सेकंड वाला देखेंगे तो यहाँ पे पोरस तो दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो है देखोगे ध्यान से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखो नो स्पेस, यहाँ पता है, यहाँ पे देखो अनकनेक्टेड पोर स्पेस। यहाँ पे देखो पोर्स दिखाई दे रहा है, छेद है, बड़ी कनेक्टेड नहीं है। मान लो पानी यहाँ से नहीं आया लेकिन इधर से तो नहीं निकल पाया क्योंकि यहाँ बीच में कनेक्टेड नहीं है। फिर देखो सेकंड, मान लो हम लोग जो है पानी को इधर से ला रहे, इधर से आया इधर से, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं मिला। ये मान लो यहाँ से आया, यहाँ से फ्लो करते आए लेकिन यहाँ नहीं गया, यहाँ फिर बीच में अटक गया। ठीक है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है। थर्ड वाला देखोगे तो कनेक्टेड मेरा पोर्स है, मतलब देखो यहाँ से आया फिर ऐसे करते करते, ऐसे करते करते यहाँ से, फिर ऐसे करते फ्लो करते करते यहाँ, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक आ गया। यानी इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिएबल। यानी परमिएबल में क्या देखें कि परमिएबिलिटी एबिलिटी होता है जिसमें गैस लिक्विड या केमिकल जो एक छोर से दूसरी छोर तक आ सकता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है मेरा कि ग्रीन सैंड में हम लोग, मैंने बताया था ग्रीन सैंड क्या हो जाता है सर, सैंड में जब हम लोग मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, तो जब मॉइस्चर ऐड कर देते हैं होता क्या है, परमिएबिलिटी इसका घटेगा। ऑब्वियसली ये घटेगा, कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि हम लोग इसी पेज में देख लेते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे पहले मेरा क्या था कि मिट्टी है, जो आप लोग सैंड घर में यूज़ करते हैं वो सैंड लो। आप क्या करो, सैंड को सूखा सैंड लो। क्या है ये? मेरा सूखा है। जब सूखा लोगे तो सूखा में क्या होगा, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने बताया था ये सैंड मेरा है, इस सैंड में जब हम लोग पानी डालेंगे तो पानी आर पार हो जाएगा। इसी सैंड में क्या करो ना, या फिर मिट्टी सैंड, या फिर ये आपका क्ले है, ठीक है, सैंड या क्ले है, क्ले यानी मिट्टी लिए, इसमें जब पानी डालोगे, सूखा का बात करें, ये क्ले है आपका सूखा है, पानी डालोगे आर पार हो जाएगा। इसमें आप मिट्टी मिला दो, मतलब पानी मिला दो, जब पानी मिला दोगे उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, क्ले बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब आप पानी डालोगे तो उतना पानी नहीं जाएगा, जैसे ईंटा जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिक्स, वो बेसिकली होता क्या है, वो बेसिकली आपका क्ले ही होता है, लेकिन क्ले में हम लोग करते क्या, वाटर मिला देते हैं और वाटर मिला के उसको सुखा देते हैं, सोलिडिफाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इतना टफ हो जाता है कि उससे पानी मेरा आर पार होता है बट बहुत ही कम होता है। यानी कि क्या देखिए, जो ये परमिएबिलिटी है वो मेरा घट गया, पहले मेरा बहुत छेद था, बाद में हम लोग क्या कि पानी जब मिला दिए तो मेरा कुछ नॉन पोरस जैसा हो गया, यानी कि सेमी परमिएबल जैसा हो गया, यानी उससे क्या हो जाता है, मेरा परमिएबिलिटी घटता है। तो यहाँ सिंपल वही बोला गया कि द हार्डनेस ऑफ द ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीज विथ, तो बोला कि हार्डनेस जो ग्रीन सैंड वो कैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीज विथ, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, सी नंबर हो जाएगा, डिक्रीज परमिएबिलिटी, यानी परमिएबिलिटी जैसे मेरा घटेगा इंक्रीज हो जाएगा ग्रीन सैंड, यानी कि वो मॉइस्चर जैसा हो जाता है, ठीक है, हार्डनेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। ठीक है, चलिए, तो ये रहेगा आज का क्वेश्चन, कैसा मुझे लगा बताइएगा कमेंट करके। कोई अगर डाउट रहे तो क्वेश्चन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट में भी कर दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगा, PDF नोट्स मिलेगा, इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा, कोई डाउट्स वगैरह पूछना तो यहाँ से मिल सकता, और अगर यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजती है तो आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।